हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। आज के इस वीडियो में हम सुपर टेस्टी मार्केट स्टाइल बादाम मिल्क शेक बनाकर तैयार करेंगे, जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी है। खासकर बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए इस कैफे स्टाइल सुपर टेस्टी बादाम मिल्क शेक को बनाना शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए रखा है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो टोंड मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर दूध में उबाल आने देंगे। बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। तो जब तक दूध में उबाल आता है, तब तक बादाम मिल्क शेक के लिए हम बादाम का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 18 से 20 बादाम लेकर और उसे रात भर भिगोने के बाद उसके छिलके अलग कर लिए हैं। तो अब एक ग्राइंडिंग जार लेकर उसमें भिगोकर छिलके उतारे हुए बादाम ऐड करेंगे और इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे, जिससे कि इसे ग्राइंड करना इजी हो जाए। और ढक्कन बंद करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करते समय ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा कोर्स या बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें बादाम का टेक्सचर भी रहने देना है। तो बादाम हमने ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ फिर से एक बोल में मैंने 2 बड़े चम्मच दूध लिया है और इसमें 1.5 चम्मच हम वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर बहुत ही इजीली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि कोई लम्प्स नहीं रहे। तो कस्टर्ड का घोल हमने रेडी कर लिया है। इसे अब साइड में रखेंगे और आगे अपनी रेसिपी में यूज करेंगे। दूध में भी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। तो इस समय इसमें फ्लेवर के लिए 1 पिंच केसर ऐड करेंगे। तो केसर डालने से एक तो बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है और दूसरा मिल्क शेक का कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। और अब हमने जो बादाम का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे। ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी ऐड कर देंगे, जिससे कि सारे पेस्ट का यूज हो जाए। और बादाम का पेस्ट डालने के बबाद मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि बादाम अच्छी तरह से पक जाए और बादाम का फ्लेवर दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। लगभग 4 मिनट पकाने के बाद बादाम का पेस्ट दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और यह अच्छी तरह से पक भी गया है। तो अब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ 1/3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं, पर इतनी चीनी इतने बादाम मिल्क शेक के लिए परफेक्ट होती है। फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे और चीनी को घुलने तक पकाएंगे। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। इसी समय इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं 1 चम्मच कटे हुए बादाम, 1 चम्मच कटे हुए काजू और 1 चम्मच कटे हुए पिस्ता ऐड कर रही हूँ। तो चीनी भी हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। तो इस समय हमने जो कस्टर्ड का घोल बनाकर तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बस ध्यान रखें कि कस्टर्ड का घोल डालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पर ही थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाएं और उसे मिक्स करते जाएं। तो इस तरह से कस्टर्ड का घोल डालने से बिल्कुल भी लम्प्स फॉर्म नहीं होता है और मिल्क शेक का टेक्सचर बहुत ही ज्यादा क्रीमी आता है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैंने इसे लगभग 2 मिनट के लिए या फिर हल्का सा उबाल आने तक पका लिया था और जैसा कि आप देख सकते हैं यह पहले से काफी गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। और
तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 2 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीजर से निकाला है, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। अगर आपको और भी ज़्यादा गाढ़ा बादाम शेक पसंद है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसे बस 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रखा था और इसे ठंडा ठंडा इस तरह से ग्लास में सर्व करें और ऊपर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दें तो आ गया ना बिल्कुल कैफे वाला लुक। और हमने इसे घर पर बनाया है वो भी बिना किसी प्रेजर्वेटिव के, तो यह काफी हेल्दी भी है। तो एक बार इस तरह से बादाम मिल्क शेक बनाकर जरूर देखें, सबों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।